हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं अभी हूँ अपने बेडरूम में और चाय रखी हुई है, चाय बन रही है। डोरा यहाँ पर पोएम देख रही है, बिल्कुल नहीं मान रही है। अभी जो है इसकी दीदी ने इसको पजामा और वो पहनाया, क्योंकि अभी इसने पॉटी कर दी थी। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो ये स्वेटर ना बहुत ही पतली है, लेकिन बहुत ही वॉर्म है। जो मैंने बताया था कि मैंने सरोजनी से ली थी, तो काफ़ी वर्थ ही है। और डोरा को मैं आपको दिखाती हूँ डोरा क्या कर रही है, बट उससे पहले आप लोग भी इवनिंग टी पी लीजिए। मैं दो बिस्किट और चाय ले आई अपने लिए। डोरा पोएम देख रही है, क्योंकि मुझे वरना वो ज़रा सा भी नहीं बैठने देती। मैं सोचती हूँ बस चाय मैं आराम से पी लूँ, उसके बाद तो बेशक मतलब मैं उसे संभाल लूँगी। तो चाय के टाइम मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए उसको मैंने पोएम पे मतलब बिजी कर दिया थोड़ा सा। देखिए डोरा, डोरा क्या कर रहे हो आप? पेपा पिक देख रहे हो? नहीं। हर चीज को पेपा पिक बोलती है, चाहे पोएम देख रही हो, पेपा पिक देख रही हो, माशा देख रही हो, हर किसी को ये पेपा पिक। ये स्टार्टिंग से ना मतलब पेपा पिक इसका फेवरेट रहा है, तो वही बोलती है हर चीज को। ये दो लाइन समझनी थी। पापा ने क्या किया, इधर से लेके पूरा लास्ट तक चैप्टर पढ़ा दिया। अच्छा, कौन है? नहीं। देखो उसकी आईज, देख इधर से, देखो उसकी आईज कैसे दिख रही है, देख किसमें। म्याऊ, कैट पता नहीं कहाँ से आ गए यहाँ पे, मेरा फ्लैश ऑन हो जा रहा था, इसलिए उसकी आईज का कलर जो है चमकीला सा लग रहा है। डोरा को बहुत खुशी हो रही है कि कैट बुलाओ, कैट को नहीं, हाथ मत लगा, कट कर देगी वो, हाथ मत लगाओ, तो बुलाओ बुलाओ उसको नीचे बैठ के। सौम्या की टीचर का बर्थडे है, तो सौम्या जो है इयररिंग्स सिलेक्ट कर रही है इनमें से, कह रही है मम्मा मैं ना अपनी मैम को गिफ्ट दूंगी, तो अपनी फ्रेंड की हेल्प ले रही है। पैक करेगी अभी इस गिफ्ट को मैम के, फिर मैम को देगी। डोरा क्या मैं आपको भी दिखाऊंगी चाहिए, दिखाऊंगी? गिफ्ट, मेरे को क्या दिखाओगे, मैंने तो देख ही रखे ना। पैक अच्छा, पैक करूंगी करने के इसके। बाद। डोरा इधर आओ, आप क्या कर रहे हो, इधर आओ। डोरा बबल रैप के साथ खेल रही है। डोरा गाइस, तो ये मेथी रखी हुई है, ये मुझे छाटनी है, और ये 2 दिन हो गया यार इसको, क्योंकि इसको एक दिन मैंने पालक पनीर बना दिया था और एक दिन मैंने अंडा करी बना दिया था, क्योंकि सर्दियों में यार ये छाटने का मन नहीं करता, बट आज जो है मुझे छाटनी पड़ेगी, वरना आधी ये ख़राब भी हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से गल ना गई हो। और डोरा वहाँ पे से नाराज़ हो रखी है मेरे से, क्योंकि डोरा को अमरूद खाना है, मैं कोई भी फ्रूट इसको रात को नहीं देती हूँ, नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। कैप पहनो, चलो अपनी पहनो, कैप पहनो ना, पहनो ना। वहां पे सारी सब्जियां वगैरह रखी हुई है, वो भी मुझे लगानी है। क्या हुआ? मैंने इसको वो दिया पराठा, तो इसने फेंक दिया वहां पे। चलो दो, मैं छाटूंगी। मैंने ये वो वाली जैकेट पहन ली है, जिसको मैं मतलब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती तो पहनती हूँ, आपने देखा होगा मेरी पुराने अगर वीडियोस देखी होंगी तो। और ये वाली जो है, क्योंकि आज ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये निकाल ली अपनी ये वाली जैकेट, इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। ये दिसंबर और जनवरी में मैक्सिमम पहनती हूँ, बस ये 2 महीने पहनती हूँ मैं इसको। देख रहे हो ये इतना काम करती है अभी से डोरा, ये मुझसे पहले ही छाटने लग गई मेथी को, उसमें उठा उठा के रख रही है पत्ते तोड़ तोड़ के। क्यों कर रहे हो डोरा ऐसे, आप क्यों कर रहे हो, हाँ ये क्यों कर रहे हो ये? ये देखो डोरू, आप अभी से इतना काम करते हो? कल डोरा के ना यहाँ पे लग गई थी, गिर गई थी खेलते खेलते, तो खून निकल गया था इसके होंठ पे। डोरा कल किसने गिराया आपको? दीदी दीदी का नाम ले रहे, देखो मत कर 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 डोरा मत कर,
यहीं पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। मुझे नहीं, अंदर से खराब तो नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा था खराब हो गया अंदर से। ये लड़की मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देती। अच्छा, जैसे ये ना मेथी के जो पीले पत्ते हो जाते हैं, ऐसे पीले पड़ जाते हैं, ऐसे एक दो दिन हो गया, तो उसको आई थिंक नहीं रखते हैं ना, हटा देते हैं ना उसको। हरे हरे पत्ते रख दिए मैं इसमें। आज हम बनाएंगे आलू मेथी की सब्जी, और दाल मैंने बनाई थी दिन में, तो दाल भी है बची हुई। आलू मेथी की सब्जी के साथ में दाल हो जाएगी। और इसके पापा का कोई पता नहीं है कि वो मतलब खाना खाने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। उनके 95% चांसेस हैं कि वो खा के ही आएंगे ऑफिस से, तो इसलिए जो है हम लोग आज आलू मेथी की सब्जी बना रहे हैं। सौम्या को भी बहुत पसंद है आलू मेथी की सब्जी, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसको धोने में बड़ी आफत निकलती क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है ना, तो दो तीन पानी धोना पड़ता है इसको अच्छे से। सर्दियों में यार पानी पे हाथ लगाने का दिल किसका करता है, मतलब इतना ठंडा पानी होता है ना। एक्चुअली मत करो, डोरे गिर जाएगा। नहीं 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 छाट लिए है, और इतना सा ये निकला है, इतना सारा ये वेस्ट मटेरियल इसका निकला, लेकिन हमारे लिए हो जाएगा क्योंकि जो है इतना काफी होगा। इसमें आलू भी मैं मिक्स करूंगी। गाइस, मैं अभी गूंद रही हूँ आटा, और मैं बनाने वाली थी पहले आलू मेथी की सब्जी, बट मेथी जो है ना इतनी सी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि उसके पराठे जो है बना लूँगी मॉर्निंग में। तो मैंने मटर मशरूम की सब्जी बनाई है, और सब्जी बन चुकी है ऑलमोस्ट, और आटा गूंद रही हूँ मैं, और थोड़ी सी रोटियाँ बना दी मैंने, थोड़ी सी रहती है, थोड़ी सी मतलब दो चार रोटी के लिए कम पड़ गया था आटा, तो दोबारा से मैं उसका डो तैयार कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। सौम्या खा रही है, क्या खा रही है सौम्या? मटर मशरूम। अच्छा लग रहा है? सौम्या आजकल दो चुटिया बना के जाती है ना स्कूल, तो इसलिए जो है सौम्या के भी बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो जो बेबी हेयर है ना इस तरीके से ऊपर आ जाते हैं इसके, और फ्रीजी से हो जाते हैं बाल इसके फिर। और आज कॉम भी नहीं करी ना स्कूल से आने के बाद। मेथी मैंने यहाँ पे कुकर में रख दिया, इसको मैं हल्का सा भी स्टीम दे दूंगी, और उसके बाद मॉर्निंग में मैं डो बनाऊंगी इसका। और ये रहा मटर मशरूम। आज पानी ने आना था, सौम्या जो है पानी चला के आई थी, और मैं उससे बोल रही हूँ कि तू जल्दी जल्दी खा ले, क्योंकि जो है ना मोटर चल रही है और पानी एकदम से भर जाएगा, तो फिर जो है नहीं। क्या कर रहे हो डोरा? ये क्या कर रहे हो डोरा? आप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो आप? रोटी बोलो। रोटी नम नम। रोटी बोलो ना प्लीज। नम नम। रोटी नम नम क्या होता है बोलना तो सीख लो, आप दो साल से ऊपर के हो गए हो। ये हर चीज को नम नम बोलती लड़की, देखो डांस कर रही टीवी देख के। डिनर वगैरह सब हो गया है, और इसके पापा भी नहीं आए हैं, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। हम लोगों ने कर लिया है, डोरा को बस मैं बैठे बैठे खिला रही हूँ। बिल्कुल सूखी रोटी खाती है, मतलब सब्जी इसको पसंद नहीं होती है, सब्जी लगा के देती हूँ तो ये फेंक देती है, तो ये सादी रोटी, घी लगी हुई रोटी खा रही है। और बस हमारा जो है सारा काम हो गया, ऑलमोस्ट तो हो गया। अब मुझे दूध गर्म करना है, और थोड़े से एक दो प्लेट वगैरह है वो मुझे क्लीन करनी है। इसके पापा का वेट करूँगी मैं। वैसे मैं खाने के लिए क्या है ना, मतलब मैं सोचती हूँ कि एक साथ खाए, बट इनका शेड्यूल कुछ ऐसा है कि मतलब कभी ये 12 बजे आते, कभी 1 बजे 1:30 बजे, फिर इतनी देर तक तो कौन भूखा रहेगा। वो जमाना गया जब मतलब औरतें जो होती थी ना पति के खाना खाने के बाद ही खाना खाती थी, क्योंकि यार इस टाइम पे जो है ना बिल्कुल चेंज हो चुका है, हमें मॉर्निंग में उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो फिर हर चीज़ ऐसे लेट करेंगे तो फिर मतलब वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है बस अब हम जो है सोने की तैयारी कर रहे हैं। बस डोरा को सुलाऊंगी दूध पिला के, और सौम्या तो सो गई, सौम्या मूवी देख रही है, बस अभी इसको भी बोलती हूँ मैं सो जा तो, क्योंकि लेट हो रहा है, और मॉर्निंग में बच्चों की आजकल सर्दियों में नींद पूरी नहीं होती ना, तो यही रीज़न है। तो डोरा यहाँ पे देख रही है मूवी, और बस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पर, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।